जैन बच्चों, इस समय आप लोग मामने छोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर का फिफ्थ चैप्टर नाभिक यानी न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रदरफोर्ड का प्रयोग देखा था और रदरफोर्ड के प्रयोग में हम लोगों ने देखा था कि अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन कैसे होता है, फिर अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण और अल्फा बीटा गामा कण के भी गुण हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग रेडियो एक्टिव क्षय और इसके बाद रदरफोर्ड और सोडी का नियम पढ़ेंगे और फिर समय मिलेगा तो अर्धायु भी पढ़ेंगे, अर्धायु से संबंधित हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेडियो एक्टिव क्षय क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्षय का मतलब होता है नुकसान होना, ह्रास होना। तो रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है, देखें, जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं, सभी रेडियो एक्टिव तत्व लगातार अल्फा बीटा गामा कण का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा कण का जब उत्सर्जन करते हैं तो एक तत्व जो होता है वह दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि नया तत्व उत्पन्न हो जाता है। तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा बीटा गामा कणों के उत्सर्जन के पश्चात नए तत्व के उत्पन्न होने की क्रिया को ही रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। अगर हम उदाहरण देखें तो 92 यूरेनियम 238 है, जब इससे एक अल्फा कण निकलता है ना, देखिए अल्फा कण आपको बताया गया था कि 2HE4 होता है, जब एक अल्फा कण निकलता है तो यहाँ पर थोरियम बनता है, 90 थोरियम 234, ये 234। तो देखें, यूरेनियम से जब एक अल्फा कण निकला तो थोरियम बन गया, और अगर थोरियम 90 TH 234, ये थोरियम से, देखिए थोरियम से अगर एक बीटा कण निकल रहा है तो जब इससे एक बीटा कण निकलता है ना, तो बीटा कण निकलने के बाद ये प्रोटेक्टियम प्राप्त होता है, प्रोटेक्टियम, ये प्रोटेक्टियम जो होता है ये हो जाता है 91, और प्रोटेक्टियम जो होता है PA, और ये हो जाता है 234, और यहाँ से एंटी न्यूट्रिनो नाम का एक नाभिकीय कण निकलता है जिसको न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एंटी न्यूट्रिनो है, ये नाभिक में क्षण भर के लिए उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं, यह अभिक्रिया ही ये रेडियो एक्टिव क्षय कहलाता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। तो रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम क्या है, अब हम लोग इसको देखेंगे। रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, ये दोनों साइंटिस्ट थे, हम इनके नियम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखें क्या था, तो ये जो रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में ये नियम है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, और यह नियम यह बतलाता है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से रेडियो एक्टिव क्षय होने की दर, सुनिए, अगर रेडियो एक्टिव तत्व के प्रारंभिक परमाणुओं की मात्रा n हो, और क्षय का मतलब ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे परमाणु का नाश हो जाएगा,
तो क्षय होगा तो इसकी थोड़ी सी मात्रा क्षय होगी, इसलिए डी लगा देंगे। डीएन का मतलब थोड़ी सी मात्रा, रेडियो एक्टिव पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, तो दर जो होगा टाइम होगा, और क्षय हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान समझिए, क्षय का मतलब नुकसान हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो ये माइनस चिन्ह जो होता है ये ह्रास को ही दिखाता है। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, उस समय रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यही है रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। अब देखें, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ रहे हैं, तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट जुटता है। अब यहां पर माइनस डीएन अपॉन डीटी इज इक्वल टू, यहां पर जो कांस्टेंट जुड़ता है वो लैम्डा, और ये है एन, जहां लैम्डा को क्षय नियतांक कहा जाता है, क्षय नियतांक या क्षयांक कहते हैं। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, इस माइनस को हम चाहें तो राइट साइड में ले जा सकते हैं, और देखिए यन को लेफ्ट में ला देते हैं, डीटी को राइट में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा डीएन अपान यन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा डीटी। अब हम लोग यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, और देखें समाकलन कर रहे हैं दोनों पक्षों का, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। और फिर देखिए यहाँ है यन, तो यन का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग यन हो जाता है, ये हो जाएगा लॉग यन। और हम आपको बता दें कि यहाँ बेस ई होता है, बेस लिखें तब न लिखें तब बेस ई होता है, और फिर ये हो जाता है आपका माइनस लैम्डा टी, और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट सी होता है। अब यहाँ पर हमको कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालनी होगी, तो कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, प्रारंभिक कंडीशन अप्लाई करते हैं, और प्रारंभिक कंडीशन में क्या होता है, प्रारंभ में समय जीरो होता है। जब कोई भी रेडियो एक्टिव क्षय शुरू होता है तो उस समय समय से होता है जीरो होता है, तो रेडियो एक्टिव तत्व की जो प्रारंभिक मात्रा होती है वो यन जीरो के इक्वल हो जाती है। यन जीरो रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा है। अब हम यहां पर इसको रखेंगे तो देखें क्या हो जाएगा, लॉग यन जीरो बेस ई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी के जगह पर जीरो, ये कंडीशन अप्लाई करके जो कांस्टेंट हम यहाँ जोड़े हैं उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू जीरो हो गई। अब सी की वैल्यू आपको निकल गई है लॉग एन जीरो बेस ई, अब हम इस वैल्यू को यहाँ रख लेंगे तो देखें क्या मिल रहा है हमें, लॉग एन बेस ई, बेस ई नहीं भी लिखा जाता है तो बेस होता है, और ये इज इक्वल टू हो गया माइनस लैम्डा टी, और प्लस सी की वैल्यू हम रख देंगे तो देखें सी की जो वैल्यू हम लोगों को निकली है ये लॉग एन जीरो बेस ई निकली है। अब हम चाहें तो लॉग को एक जगह कर लें और लॉग को फिर एक जगह करेंगे, तो देखिए लॉग एन जीरो बेस ई को लेफ्ट में लाते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग एन बेस ई माइनस लॉग एन जीरो बेस ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा टी। अब देखिए फिर लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो लॉग एम बाई एन हो जाएगा,
अब ये हो जाएगा आपका log n अपान n जीरो, बेस e यहाँ पर भी होता है, और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा टी। और फिर देखें हम क्या करें, हम यहाँ से log हटाना चाह रहे हैं, तो अगर log हटाएंगे तो ये n अपान n जीरो इजकल टू, जानते हैं ये जो बेस होता है ये बेस बराबर के दूसरे तरफ चला जाता है, तो ये e हो जाएगा और जो बराबर के दूसरे तरफ होता है वो घात में चला जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा टी। अब अगर हम n जीरो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो देखें यहाँ लिख देते हैं n इज इक्वल टू n जीरो e टू द पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा, तो ये जो है रेडियो एक्टिवता के लिए ये रदरफोर्ड और सोडी का समीकरण, इस समीकरण को यन इजकल टू यन जीरो ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी, ये रदरफोर्ड सोडी का समीकरण कहलाता है, जहां यन जीरो रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है, लेमडा छह नियतांक है और टी समय है, और टी समय के बाद बचे हुए रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की जो मात्रा है वो कैपिटल एन है। अब अगर इसको हम सक्रियता के रूप में लिख देते, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता लिख देते, तो इसी को अब एन के जगह पर ये सक्रियता के रूप में कई बार आपसे समीकरण पूछा गया है, तो सक्रियता के रूप में लिख देते हैं तो ये होता R इजकल टू आर जीरो, और फिर ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस लेमडा टी। ये जो समीकरण है ये रेडियो एक्टिव सक्रियता का समीकरण है, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण टर्म आता है और वो है अर्ध आयु, अर्ध आयु या इसको हम अर्ध जीवन काल भी कहते हैं, अर्ध आयु जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ, अर्ध आयु रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु। तो अर्ध आयु किसे कहते हैं जरा ध्यानपूर्वक देखें, तो जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है उस समय को ही रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कहते हैं, और अर्ध आयु को टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है। और याद रखे रहिएगा यहाँ पर अर्ध आयु का मात्रक घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, माह भी हो सकता है, वर्ष भी हो सकता है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, यानी टी हाफ का मात्रक कुछ भी समय का कोई भी मात्रक जो है ये अर्ध आयु का मात्रक हो जाए। अब हम जरा अर्ध आयु के लिए हम फार्मूला देखें, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि रेडियो एक्टिव तत्व की जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव तत्व अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, तो बची हुई मात्रा यन है और प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, यानी यन की जो वैल्यू होगी वो एन जीरो बाई टू होगी। अब अगर हम यन के जगह पर ये जो रदरफोर्ड सोडी का समीकरण है इसमें रख दें, तो देखें यन के जगह पर यन जीरो बाई टू इजकल टू यन जीरो और ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी हो जाएगा। और इस प्रकार जरा ध्यानपूर्वक देखें तो यन जीरो से यन जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 बाई टू इजकल टू ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी हो जाएगा। और अगर अब यहाँ पर हम लोग इसका रिवर्स कर दें तो देखें रिवर्स करने पर वैल्यू क्या मिलेगी, रिवर्स कर दीजिए तो e टू दी पावर लेमडा टी इजक्वल टू हो जाएगा 2। अच्छा अब अगर हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेते तो क्या हो जाता, लॉग ले लेते, चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर हम लॉग ले लेते तो लॉग e टू दी पावर लेमडा टी और ये इजक्वल टू हो जाएगा लॉग 2। जरा ध्यानपूर्वक देखें, फिर यहाँ पर हम रखते हैं
तो यम का पावर यन होगा, इसका लाग लेंगे तो ये पीछे आ जाएगा। और याद रखे रहिए, अर्ध आयु को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर हम टी न रख करके अब टी हाफ लिखा करेंगे। ये टी हाफ है, टी हाफ। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये लेमडा टी हाफ लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा टी हाफ, और यहाँ पर भी बेस ई है, तो अब ये बचेगा आपका लॉग ई बेस ई इजकल टू लॉग टू बेस ई। हम आपको बता दें कि अगर लॉग ले रहे हैं और वह राशि जिसका लॉग लेना है अगर बेस भी वही हो तो इसकी वैल्यू वन हो जाती है, यानी लॉग ई बेस ई की वैल्यू वन हो जाएगी। लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू लॉग टू बेस ई हो जाएगी। अब अगर हम चाहें तो टी हाफ की वैल्यू यहां निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा लॉग टू बेस ई अपॉन लैम्डा, और लॉग टू बेस ई की वैल्यू 0.6931 होती है, इसकी वैल्यू हम यहां रख देते हैं, ये नीचे रहेगा टी हाफ, तो ये टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 और अपान हो जाता है लैम्डा। तो इसको आप याद रखे रहिएगा, ये रेडियो एक्टिव तत्व के अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध है। इसके बाद हम लोगों को फिर आगे पढ़ना होगा, रेडियो एक्टिवता का मात्रक हम लोग देखेंगे और रेडियो एक्टिवता के मात्रक को हम लोग डिफाइन भी करेंगे, और इसके बाद हम लोग औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध देखेंगे। लेकिन एक सूत्र हम आपको बता दें कि अगर अर्ध आयुओं की संख्या स्मॉल एन है और अर्ध आयु टी हाफ है, तो अर्ध आयुओं की संख्या में अर्ध आयु से गुणा कर देते हैं तो टोटल टाइम, कुल टाइम हमको निकल जाता है टी इजकल टू यन इंटू टी हाफ हो जाता है। अब इसके बाद हम लोगों को रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु देखनी होगी, और फिर देखेंगे कि रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उस पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, गामा कण का उत्सर्जन होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार जो है जब इतना हम लोग पढ़ेंगे तो रेडियो एक्टिवता कंप्लीट होगा, और इसके बाद नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन वगैरह पढ़ लेंगे, तो ये जो है और फिर परमाणु भट्टी, नाभिकीय रिएक्टर वगैरह पढ़ लेंगे, तब जा करके यह चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। और इसके बाद केवल हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना रह जाएगा, सेमीकंडक्टर, और उसी सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोगों को संचार व्यवस्था के बारे में पढ़ना है और गेट वगैरह के बारे में पढ़ना है, एंड गेट, नैंड गेट, आर गेट, एंड गेट, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप सबको समझ में आया है? हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से आप सभी लोग तैयार करते रहिए, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके आप बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।